चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। तो इसमें कक्षा 10वीं की लास्ट बुक पूछती है आपकी विज्ञान। तो विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, हम लोग लास्ट क्लास में आपके देख चुके थे। और याद रखिए, अगर आप सिविल सर्विस या फिर किसी किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी समय रहते हुए पढ़ लें, क्योंकि इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है आपके पास। बिना एनसीईआरटी पढ़े कुछ नहीं उखड़ने वाला है। तो कक्षा 6वीं से जो 10वीं तक की आपके लिए जरूरी है वो सभी कवर करवा दी गई है, और आपकी उसकी सबकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी गई, वहां आप लोग डाउनलोड कर लें, उसे पढ़ते रहें अपन। कक्षा 10वीं के बाद, विज्ञान खत्म होने के बाद 12वीं, 11वीं, 12वीं की बचती हैं, उन्हें भी समय मिलते हुए कवर करवाते जाएंगे, ठीक है। बस आपको बड़े, अगर जल्दी में है आप लोग तो आपके लिए टेलीग्राम पर डाल दी गई है, अगर आपके पास टाइम है काफी तो कवर मेरे द्वारा भी करवा दी जाएगी, ठीक। चलिए, तो पहला चैप्टर आज हम विज्ञान का देख लेते हैं, कक्षा 10वीं का। आज बात करेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। विज्ञान को याद रखिए, बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसमें जो क्रियाकलाप दिए गए होंगे, जो प्रयोगशालाओं की बात की जाएगी, उन्हें पढ़ के आपको निकल जाना है, आपको उसमें उलझना नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हमें इतना, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम लोग इसे मतलब प्रयोगशाला में बैठकर काम करते रहे और समझते रहे। बस आपको पढ़ना है, एक से दो बार आराम से निकल जाना है, ठीक है। बस मुझे नहीं लगता है कि अगर आप एक दो से एक से दो बार बड़े धैर्य से पढ़ते हैं तो आपको ऐसा कोई शब्द मिले जो समझ में ना आए, क्योंकि बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई है। और आप भी तो जानते हैं, आपको कहीं नहीं कहा जाता है कि कोचिंग में कहीं नहीं पढ़ाई जाती है एनसीईआरटी, आपको एक मतलब स्पेशल बुक्स पढ़ाई जाती हैं, लेकिन आपको कह दिया जाता है एनसीईआरटी पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी जाती है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तावा, तसला, कील को आद्य वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। हम सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति और पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ भी चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कैसी हुई है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। देखिए, हमें करना नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूं, केवल हमें पढ़ना है और निकलना है। तो चलिए पढ़ लेता हूं। क्रियाकलाप 1.1, सावधानी। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले और तो उचित होगा। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। इस चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या पर बर्नर से इसका दहन कीजिए, यानी कि जलाइए। इससे बनी राख को कांच बॉच गिलास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र 1.1 में आपको दिखाया जा रहा है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रहें। ये देख रहे हैं, चिमटा हो गया, ये बर्नर हो गया, यानी कि गर्म किया जा रहा है। मैग्नीशियम की रिबन हो गई यहाँ, और बॉच गिलास हो गया, जो राख यहाँ गिरेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन, मैग्नीशियम ऑक्साइड को बॉच गिलास में इकट्ठा करना, यानी कि मैग्नीशियम का वायु में जलना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है और ये नीचे राख में बदल जाता है, ठीक है। अब आप अगर क्रियाकलाप करेंगे तो आप जान पाएंगे कि क्या उपस्थित रहेगा क्या, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है और निकलना है, आगे क्या कहता है उसे देखना है। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। अब आप सोचिए कि अगर आपको समझ में आ जाएगा आराम से, अगर आप पढ़ते हैं, आपने इस क्रियाकलाप को पढ़ा है, यानी कि एक मतलब अपने दिमाग में ही सोच लिया कि इस तरह से हुई है व्यवस्था, और आपने क्या देखा है कि मैग्नीशियम को जब आप लोग जला रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को बहुत मतलब नीचे राख में परिवर्तित होते हुए देख रहे हैं। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई वस्तु जलती है, तो एक ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बन रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाती है। क्रियाकलाप 1.2,
एक परख में ली मैं लेड, सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। आपने क्या प्रक्षेपण किया है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण, कार्क हो गया, कांच की नली हो गई, शंक्वाकार फ्लास्क हो गया ये, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार जस्ता, इसमें बीच में आप देखते हैं हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 गैस भरी हुई है। क्रियाकलाप 1.3 को भी पढ़ लेते हैं। एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। सावधानी, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ दिखाई दे रहा है? शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली को स्पर्श कीजिए, क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? आपने ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न कृषि विपेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई है, अभिक्रिया हुई है। एक बात आप ही सोचिए, इसमें समझाने लायक है क्या? मैं तो कहता हूं कि आपके पास टाइम है, जल्दी से जल्दी आप 1 से 2 बार पढ़ के खत्म कीजिए। किसी के भरोसे नहीं मत रहिए, मेरे भी अगर आपको लगे कि मैंने देखी किताबें इसीलिए मैंने दे दी गई आप लोगों को कि आप मेरे भरोसे भी मत बैठिए, आप लोग पढ़ के खुद कर सकते हैं ये सब काम, क्योंकि मैं भी तो जो वही पढ़ाऊंगा जो आप लोग पढ़ेंगे, लगभग लगभग आप समझ जाएंगे। हो सकता है एक आध दो शब्द ऐसे ना मिलें जो आप ना समझ पाए, लेकिन अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम लगती है तो मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे मतलब SMS करके आप पूछ भी सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। इनमें आप देख रहे हैं ना, तो हम प्रयोगशाला में बैठे हुए ना ही आप प्रयोगशाला में बैठ के बता रहे हैं आपको, तो जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपने देखा क्या है, अवस्था में परिवर्तन देखा है, रंग में भी परिवर्तन देखा है, गैस का निकास उत्सर्जन देखा है, तापमान में परिवर्तन देखा है, किसमें, इन तीनों क्रियाकलापों में। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। क्रियाकलाप 1.1 यानी कि 1.1 का विवरण, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम का रेवन रेवन का दहन होता है यानी कि जलता है, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। और आपने देखिए, अगर आप सिविल सर्विस या स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो समझ लिया जाता है कि आपका बेस काफी मजबूत है, तभी आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको रटना ही होता तो आप किसी SSC बैंक रेलवे की तैयारी कर रहे होते, आपके पास क्षमता ना होती तो, ठीक, तो आप काफी अच्छी लेवल पर पहुंच चुके हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोग इस तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ऊपर दिए गए अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो आप कह सकते हैं कि मैग्नीशियम किसकी उपस्थिति में इसका दहन हुआ है, ऑक्सीजन। इन दोनों को क्या कहेंगे, अभिकारक, यानी कि जो इसमें सम्मिलित हुए हैं, क्या किसमें बदल गए, मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद। अब आप, मुझे नहीं लगता है कि आपको समझ में ना आया हो ये समीकरण, मैग्नीशियम किसकी उपस्थिति में जला, ऑक्सीजन की, किसमें बदल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आसानी समझ में आ गया होगा आपको। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम लोग अभिकारक, क्या कहते हैं, अभिकारक। और इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिस्किट बनाया जा रहा है, उसमें जो तत्व शामिल हो रहे हैं उन्हें आप लोग एक तरह से अभिकारक कह दीजिए, और जो बिस्किट बनकर बिल्कुल मतलब तैयार माल मिल रहा है उसे आप लोग उत्पाद कह दीजिए। इसी तरह बात की जा रही है। शब्द समीकरण में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है, इस तरह से, किसे, अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। शब्द समीकरण अभिकारक के बीच योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। फिर तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है।
यहाँ भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लास्ट चिन्ह हो गया, ये दोनों मिलकर इस तरह से बदल गई, ये तीन का आपको चिन्ह दिखाई दे रहा होगा। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण लिखना, क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त और तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड की सूत्रों का स्मरण करें तो उपयुक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जाता है। वहां आपने विस्तार से लिखा है, यहाँ आप शब्द समीकरण यानी कि एक सहूलियत के लिए एक छोटे शब्दों में लिख रहे हैं। ये आपका मैग्नीशियम हो गया ऑक्सीजन, और आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है उत्पाद के रूप में। ठीक है, एक बात याद रखिए, मुझे लगता है कि आपको एक हाई लेवल पढ़ाया जा सकता है जिसमें आपके दिमाग से ऊपर से निकल जाएगा सब कुछ। और यह एक आपको किताब इसलिए लिए जाती है, आप देखते हैं नोट्स बना के हाँ कोई बता देता है कि हाँ ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि वो आपको समझ में आता होगा बेहतर। इसमें यह है कि हम आपकी ही जगह आपको रखकर बता रहा हूँ, यानी कि हम एक दोस्त की तरह बता रहे हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता है, और मैं आप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो यही मिलकर काम करना है। ठीक है, जहां भी हो, अगर मुझसे गलती होती है तो आप लोग हैं, अगर आपसे गलती होती है तो उस जगह मैं, एक दोस्ती की मतलब दोस्त की तरह, परिवार की तरह हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं है तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान का बराबर होना नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। यह आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि Mg मैग्नीशियम एक और ऑक्सीजन के दो अणु थे, लेकिन यह आपको एक दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, इसका मतलब इतना आवश्यक क्यों है? आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, जिसका आपने नवीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, यानी कि ना तो इसका निर्माण किया जा सकता है और ना ही इनका विनाश किया जा सकता है, बस एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ये लोग परिवर्तित हो सकते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुछ द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुछ द्रव्यमान कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलन करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करके सीखें। क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। पीछे हम लोगों ने बात की थी ना क्रियाकलाप 1.3, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। उपयुक्त समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है, इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, Zn+H2SO4 क्रिया करेगा, ये ZnSO4 और H2 में बदल जाएगा। आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करते हैं हम लोग। देखिए Zn अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या एक, उत्पाद में यानी कि जो बदला है उसमें आप देखेंगे एक है, यहां भी परमाणुओं की संख्या एक है। हाइड्रोजन की बात करूं तो दो यहां है और यहां भी दो आपका है, एस यहां भी आपका एक ही है, सल्फ्यूरिक यहां भी आपको एक ही मिलेगा, ऑक्सीजन 4 और 4। समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह है एक संतुलित रासायनिक समीकरण। कैसा है? संतुलित रासायनिक समीकरण। एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपने 1 किलो गेहूं डाला और 1 किलो आटा निकल आया, तो इसे क्या कह देंगे? संतुलित है, मतलब जितना इसमें खर्च हुआ उतना ही प्रॉफिट हो चुका। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं, Fe+H2O अब क्रिया करके Fe3O4+H2। चरण एक, स्टेज फर्स्ट, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। याद रखिए, मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि आपको पढ़ना है, निकल जाना है, आपको ज्यादा दिमाग मत लगाइए कि मतलब आप ऐसा करते बैठ जाए।
ठीक है, आपके पास टाइम है तो आप इस तरह की क्रिया कर सकते हैं, क्रियाकलाप, लेकिन आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। स्टेज सेकंड, असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाइए। ए आपने देख लिया, एफ ई एक, ठीक है, और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी इसे मिली है, तीन। देखिए यहां तीन मिली, मिली क्या नहीं मिली, ठीक है, एफ ई थ्री मिला, और हाइड्रोजन दो, यहां दो है आपकी, ठीक है, यहां उत्पाद में क्या मिले, दो ही मिले, ये ठीक बात, ठीक है, काम चला। ऑक्सीजन यहां एक था इस तरफ अभिकारक में, और उत्पाद में क्या मिला है, ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन मिले, परमाणुओं की संख्या क्या मिली, चार मिली, तो यहां असंतुलित है, कैसी है, असंतुलित है समीकरण, क्योंकि बराबर आप देख रहे हैं कि जितना अभिकारक थे उतना ही उत्पाद नहीं है। चलिए चरण तीन यानी कि स्टेज तीन को देख लेते हैं। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या फिर उत्पाद, उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम देखेंगे Fe3O4 और इस उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के चार परमाणु हैं जबकि बाईं ओर केवल एक है, तो ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रारंभ में 1H2O अभिकारक में और उत्पाद में 4Fe3O4 में संतुलित करने के लिए 1×4 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों और यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2 लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 यानी कि इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखिए इन दोनों तरह से हम नहीं लिख सकते, इसे इस तरह से लिख सकते हैं 4H2O, लेकिन इस तरह से आप सोचें कि इस तरह से बदल दिया जाए, बिल्कुल नहीं हो सकता है। आंतरिक रूप से संतुलन समीकरण अब इस प्रकार होगा, Fe+4H2O Fe3O4 H2, आंतरिक रूप से संतुलित समीकरण हो गया। सीधा सा कह दीजिए आप लोग कि पहले चाहे आप लोग मान लीजिए कि 1 किलो गेहूं डाल रहे हैं चक्की में, उससे आपका 900 ग्राम के करीब आपका आटा निकल रहा है, तो या तो आप कर सकते हैं कि बाद में 100 ग्राम आटा मिला दीजिए, या पहले आप लोग ऐसा करिए कि 100 ग्राम पहले 1 किलो 100 ग्राम आटा डालिए, गेहूं डालिए और वो निकल आए, लेकिन उसे भी संतुलित करना होगा। ऐसा नहीं कि आप जो जिस तरह से होना है उस तरह से ना करके किसी भी तरह से, इस तरह से देखा होगा आपने, देखिए 4H2O या मतलब 4 ऑक्सीजन हो चुके हैं आपके, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे इसे इस तरह से नहीं लिख सकते कि ऑक्सीजन को 4 जोड़ दीजिए ऑक्सीजन में, या इस तरह से एक मतलब हर तरह से आप कहिए साइंस की अलग एक विधि होती है, समझ रहे हैं आप लोग। आप चलते हैं चार में, स्टेट चार, Fe तथा एच परमाणु यानी कि हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है, इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन के परमाणु अभिकारकों में और उत्पादों में, प्रारंभ में आप देखेंगे 8 4H2O में 2H2O यानी कि संतुलित करने के लिए 8 और यहाँ 2×4 अब हो गया बराबर 8, यहाँ अभिकारकों में भी 8 है और यहाँ आपके उत्पादों में भी 8 है, यानी कि भाग लेने वाले भी 8 है और प्राप्त होने वाले 8 है। समीकरण अब इस प्रकार होगा, कैसा होगा, Fe+4H2O+Fe3O4+4H2O आंशिक रूप से संतुलित समीकरण है। अब चलते हैं स्टेज 5 पर, ऊपर दिए समीकरण की जांच कीजिए और तथा तीसरा तत्व चुनिए जो अब तक असंतुलित है यानी कि अभी भी संतुलित नहीं है। आप पाएंगे केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना अभी शेष रह गया है। लोहा आयरन के परमाणु ये अभिकारकों यानी कि शामिल हुए तत्व हैं और ये उत्पाद के रूप में तत्व हैं। प्रारंभ में आप देखेंगे 1 Fe है और बाद में आप देख रहे हैं उत्पाद में 3 Fe3O4 है, तो यहाँ संतुलन के लिए आप क्या करेंगे 1×3 से इंटू कर देंगे बराबर 3। यहाँ आपको अब दिखाई दे रहा होगा कि 3 Fe पहले और 3 बाद में, ठीक है, बराबर हुए। Fe को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम 3 Fe के यानी कि लोहा के 3 परमाणु लेते हैं, 3Fe+4H2O। अब देखेंगे Fe3O4+H2O। अब देखते हैं स्टेज 4, अंत में इस संतुलन समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों ओर
कि तत्वों के परमाणुओं की संख्या का परिकलन, यानी कि अब हम लोग दिमाग लगाकर जोड़ सकते हैं कि अब बराबर हैं या अभी भी कुछ कमी रह गई है। तो 3Fe 4H2O Fe3, देखिए Fe3 O4 O4 यानी कि ऑक्सीजन के कितने अणु हैं इसमें परमाणु, 4, और H2 के कितने हैं, देखिए H2 और 4 सब बराबर है ना, संतुलित समीकरण बन चुका है आपका। एक दो बार आप लोग देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। याद रखिए, क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। अब स्टेज 7, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए, क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः GI, AQ और S से दर्शाया जाता है। अभिकारक कारक या फिर उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब इसे हम लोग AQ के से लिखते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, AQ से। अब संतुलित समीकरण की बात करें अगर 1.9 की, तो इस प्रकार होगा, किस तरह, 3Fe कोष्टक S प्लस 4H2O G और फिर आप लिखेंगे Fe3O4S, फिर आप क्या करेंगे 4H2G, ये आपका समीकरण हो गया 1.10। ध्यान दीजिए कि समीकरण 1.10 में H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। किसके भाप के रूप में, प्रायः हम रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि यह आवश्यक ना हो। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या फिर नीचे दर्शा देते हैं। इस तरह से आप देखते हैं ना, इस तरह से भी दर्शा देते हैं। CO 2H2O A340 ATM CH3OHI सौर प्रकाश क्लोरोफिल, इस तरह से भी आप ग्लूकोज, ठीक है, इस प्रकार के आप पुस्तक में दिए समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप देख रहे हैं क्वेश्चंस दिए गए, आप आराम से बैठकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं। कक्षा 9वीं में हमने अध्ययन कर चुके हैं रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, ना कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने के नए पदार्थ का निर्माण होता है। परमाणु के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्ययन 3 और 4 में अध्ययन करेंगे, 3 और 4 में। चलिए बात करते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया की। संयोजन अभिक्रिया की 1.4, एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना लीजिए, इसमें धीरे धीरे जल मिलाना है। अब बीकर को स्पर्श कीजिए जैसे कि एक चित्र 1.3 में दिखाया गया, क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ है, इसे भी देख सकते हैं चित्र 1.3 से। जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण, ये आपका बीकर हो गया, जल हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, यहाँ आपको दिख रहा होगा। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसे समीकरण से समझ लीजिए, बिना बुझा हुआ चूना आप देख रहे हैं ये आपका H2 है, यानी कि जल के साथ क्रिया करके ये बुझा हुआ चूना आपका दिखाई दे रहा है, ये ऊष्मा यानी कि ऊर्जा की बात की जा रही है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद यानी कि दो, एक तरह से आप कह सकते हैं कि दो सामानों यानी कि दो उत्पादों को मिलाकर आप लोग क्या कर रहे हैं कि कोई एक नया उत्पादन कर रहे हैं, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कह देते हैं। यहाँ आपने देखा है कि बिना चूना बुझा हुआ चूना लिया है और जल लिया है और यहाँ आपको मिल गया है बुझा हुआ चूना।
एक उत्पाद। ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे बिना बुझा हुआ चूना, खड़ा चूना लिया जाता है, फिर उसे पानी में, गर्म पानी या पानी में डाल देते हैं, उसके बाद आप देखते हैं दीपावली पर आप लोग पेंट करते हैं। इस तरह की क्रिया आपको, इस तरह के काम गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि शहरों में तो आप देखते हैं कलर पेंट आ जाते हैं, उससे आप लोग आराम से रंगीन कर सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के लिए के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 है। इस तरह के क्वेश्चन आपके देखिए आप लोगों की उसमें ज्यादा पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में कभी, कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, या फिर इस तरह का आपका समीकरण दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसे सही है, संतुलित है या नहीं, क्या करना है, इसमें सही क्या है। तो इस तरह की यहाँ आप देख रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया ये, और यहाँ फिर आपने देखा है दो उत्पाद कैल्शियम और कार्बोनेट अलग हुआ है। आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण पर चर्चा कर लेते हैं। कोहले का दहन कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर CO2, ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहे हैं। ये आपको दिख रहा है H2 और O2 से जल का निर्माण, यानी कि 2H2+O2, ये आपका 2H2 है, यानी कि जल में बदल जा रहा है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, यानी कि मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को क्या कह देते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया। क्रियाकलाप 1.4 हमने यह भी देखा है कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई है, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ 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 ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे हम लोग ऊष्मा छिपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे हम लोग ऊष्मा छिपी रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। इस तरह की परिभाषाओं को भी आप याद रख सकते हैं। ऊष्मा छिपी अभिक्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण है, प्राकृतिक गैस का दहन, CH4 मेथेन हो गई, 2O2 ऑक्सीजन, CO2+2H2O, और एक ऊर्जा आपकी मिल चुकी है। इसे ही क्या कहते हैं, ऊष्मा छिपी रासायनिक अभिक्रिया। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है, यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, जिसका अध्ययन आप कक्षा मतलब अध्याय 6 में करेंगे। अब आपके दिमाग में आ जाता होगा कि वो चलिए पंप कोई चल रहा है, कोई गाड़ी चल रही है, तो उसमें पेट्रोल डाला जाता है, मान लीजिए वो ऊर्जा उसे आवश्यकता होती है, या विद्युत की आवश्यकता होती है ऊर्जा की, उसे विद्युत मशीन है कोई, उसे विद्युत दी जाती है। तो हमारे हमारे शरीर में किस तरह से आप देखते हैं, खाना किस लिए खाते हैं हम लोग, कि ऊर्जा मिले। ऊर्जा का सीधा सा काम मतलब होता है कि काम करने की ऊर्जा। आप सोचिए, आप 10 दिन खाना मत खाइए, 2-3 दिन खाना मत खाइए, 10 दिन तो बहुत है, आप चल बसेंगे तो आप देखेंगे कि उठने का मन नहीं करेगा आपका, कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा आपका। तो आपको सभी डाइट इसलिए दी जाती है कि आपको ऊर्जा मिले इनसे और आप काम कर सके। इसे आप देख रहे होंगे H12O6, ये आपका ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया 6O2, 6CO2+6H2O और प्लस ऊर्जा आपको मिल रही है। साग सब्जियों वनस्पति द्रव का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्मा छिपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए, जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र 1.4, यानी कि 1.4
फेरस सल्फेट क्रिस्टलीय वाली परख नली को गर्म करने और गंध सूंघने की सही विधि। गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए। कोथन नली के खुले सिरे को अपने पड़ोसी या अपने अपनी ओर ना करें। वर्णन, एक गर्म कर रहा है, देख रहा है, कोथन नली फेरस सल्फेट क्रिस्टल। चलिए क्रियाकलाप को पढ़ लेते हैं। वियोजन अपघटन अपक्रिया। एक शुष्क कोथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट ले सकते हैं, ठीक है, इसी विधि को बात कर रहा हूँ। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। कोथन नली को बर्नर या फिर स्प्रेट लैम्प की ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसा कि चित्र 1.4 में दर्शाया गया। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए, इसमें देख सकते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है? सल्फर के दहन में इसे उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। यह आपको दिखाई दे रहा होगा, फेरस सल्फेट 2FeSO4 एक ऊष्मा से अभिक्रिया करके क्या हो रहा है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये फेरिक ऑक्साइड हो गया आपका, और SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया SO3। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे उत्पाद प्रदान करता है। आपने पहले देखा था कि 2 अभिकारक थे, वो मिलकर एक उत्पाद बना रहे थे, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि एक अभिकर्मक एकल मतलब एक अभिकर्मक है और वो टूट कर किस तरह अलग अलग हो रहा है। यह कैसी है, एक वियोजन अभिक्रिया। कैसी है, वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट Fe SO4 7 H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इससे उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 और SO3 कैसी हैं, गैस हैं। SO3 कैसे हैं, ये दोनों गैस हैं, ठीक है। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं हम लोग। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में भी होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। कैसी कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, जो ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया होती है। देखिए आप, चूना पत्थर CaCO3 ये ऊष्मा इसमें भाग ले रही है और क्या किसमें बदल जा रही है, बुझा हुआ चूना CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक अनुदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में दिया गया। अब देखिए इसे, क्रियाकलाप 1.6, एक कोथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर लीजिए। चिमटे से कोथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए, जैसा कि चित्र 1.5 में दिखाया गया। आपने क्या देखा है, यदि कोई परिवर्तन हुआ तो उसे हम नोट कर लीजिए, लेकिन मैंने बार बार बोला है कि इसे हमें करना नहीं है, बस हमें अपने दिमाग में अगर आप सोच सकते हो तो सोच लीजिए और आप पढ़ लीजिए अच्छे से ध्यान से, ठीक है। अब देखिए इस चित्र में इसमें दिखाया भी गया है, एक गर्म करने का वर्नर हो गया, ये लेड नाइट्रेट हो गया, कोथन नली हो गई, परख नली पकड़ने पर वाला चिमटा हो गया, ठीक है। लेड नाइट्रेट का तापन और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन, आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होगी, किस प्रकार, देखिए इसमें भाग क्या ले रहा है, लेड नाइट्रेट यानी कि 2Pb कोष्टक NO3 आधार 2, इसमें तापन यानी कि क्या भाग कर रहा है, ले रहा है ताप यानी कि गर्म कर रहे हैं आप लोग। इसमें आप देखेंगे लेड ऑक्साइड 2PbO और प्लस 4NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये आपका ऑक्सीजन हो गया। आइए क्रियाकलाप 1.7 और 1.8 में दी गई कुछ अन्य अवघटनाएं भी अभिक्रियाएं करें, देखते हैं। क्रियाकलाप 1.7, याद रखिए बड़ी बोरिंग लगती है तो इसलिए आपको पढ़ना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आपके पास हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन समझ में सब आ जाता है, लेकिन बड़ी बोरिंग लगती है। यही हम लोग अगर प्रैक्टिकल करके देख रहे होते तो मालूम नहीं चलता समय का, और बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग होती। अब बात करते हैं, एक प्लास्टिक का मग लेना है आपको, इसकी तली में 2 छिद्र करके उसमें रबड़ का डाट
लगा दीजिए। इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, जैसा कि चित्र 1.6 में इसे देख सकते हैं आप लोग दिखाए गए। इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। मग में इतना जल डाल दीजिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें भी डाल दीजिए। जल से भरी 2 अंशांकित परख नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रखिए। अब विद्युत धारा प्रभावित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। ये बुलबुले अंशांकित नली से जल को विस्थापित कर रहे हैं। कर देते हैं, क्या दोनों परख नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है? जब दोनों परख नलियां गैस से भरे जाए तब उन्हें सावधानी पूर्वक हटा लीजिए। एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परख नली के मुंह के ऊपर लाकर इन गैसों की जांच कीजिए। सावधानी चरण को शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। दोनों स्थितियों में क्या होगा? दोनों परख नलियों को कौन सी गैस उपस्थित है? अब आप देखिए कि आप अगर इसे प्रैक्टिकल करते तब आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दे सकते थे, लेकिन फिर भी हम लोग समझ लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये बैटरी हो गई, ये आपका स्विच हो गया। कैसा हो गया? स्विच हो गया। ए एनोड, कैथोड, रबर डॉट, ए डॉट, ठीक है, रबर की डिप भी एक तरह से। ये आपका जल भरा हुआ है, ये आप देख रहे होंगे जल यहाँ। ए ग्रेफाइट रॉड हो गई, एक तरह से आप सेल बनाते हैं, सेल में देखा होगा अगर आपने जो घड़ी में डालते हैं, बाकी इस तरह की दिख। परख नली हो गई, ऑक्सीजन हो गई और हाइड्रोजन हो गया। प्लास्टिक मग हो गया, मग्गा, ठीक है। अब क्रियाकलाप 1.8 को भी देख लेते हैं। चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड डाल लीजिए। इसका रंग क्या है? इस चाइना डिश की को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड के रंग को देखिए, इसकी बात की जा रही है। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है। सूर्य का प्रकाश, चाइना डिश, सिल्वर क्लोराइड। अभी तक जो आपने पढ़ा है उसका निष्कर्ष यहां आप देखेंगे। क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि सूर्य के विकास में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। सूर्य के विकास में जो श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड था, ये कैसा हो जाता है? धूसर रंग का हो जाता है। विकास की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण से ऐसा होता है। आप देख रहे हैं सिल्वर 2AgCl सूर्य का विकास है, क्या कर रहा है? 2AgCl2। सिल्वर ब्रोमाइड भी इस प्रकार अभिक्रिया करता है। अब यहां देखिए आप लोग, 2AgBr सूर्य का विकास, 2AgBr2। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है और किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है? सूर्य के विकास के कारण। किसके? सूर्य के विकास की उपस्थिति में यह क्रिया होती है। हमने देखा है कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा विकास या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कह देते हैं। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ऊष्माशोषी यानी कि ऊष्मा का शोषण कर रही है, यानी कि अवशोषण कर रही है, ठीक है। अब इससे संबंधित आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं आगे। अब हमारा विस्थापन अभिक्रिया, क्रियाकलाप 1.9। लोहे की 3 कील लीजिए, उन्हें रैगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। ए बी से चिन्हित की हुई परख नलियां लीजिए। प्रत्येक परख नली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। 2 कीलों को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली बी के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबो कर रखिए। देखिए इसकी बात की जा रही, तुलना करने के लिए 1 कील को अलग रखिए। 20 मिनट पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए और परख नली ए और बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना बाहर रखी कील से कीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की कील है, स्टैंड हो गया, ये आपकी परख नली हो गई, ये आपका धागा हो गया। ये आप देख रहे हैं कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है, इसमें आप डूबी हुई देख रही होंगी लोहे की कील जो आप अक्सर देखते हैं दीवालों पर लगा दी जाती है। लोहे की कील, कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई लोहे की कील, ए सामान्य लोहे की कील है और ए कॉपर सल्फेट के विलयन में जो डुबाई गई थी उसे निकाला गया है। ये आपको दिख रहा है कॉपर सल्फेट का विलयन और परख नली
परखनली स्टैंड है, अभिक्रिया के मिश्रण मिश्रण का परखनली, इसमें बी में ठीक है। प्रयोग से पहले तथा उसके उपरांत लोहे की कील और कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना करें, यानी कि दोनों की आप देख रहे हैं बदल जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं बदल जा रहे हैं रंग। लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया और कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया है। एक तरह से एक सोचिए कि दोनों में परिवर्तन हो गया है, क्या हो गया दोनों में परिवर्तन हो गया है, कील में भी परिवर्तन आया और कॉपर सल्फेट के विलयन में भी परिवर्तन आया। रेडी वालों का बहुत योगदान रहा है लॉकडाउन के टाइम, देखिए घर घर तक पहुंचाते रहे लोग सामान, तो बहुत सुविधा भी रही है, वरना आप सोचिए कि कितनी परेशानी होती सब्जी लेने के लिए हम लोग तरस जाते। तो चलिए सबका योगदान है। इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित अभिक्रिया हुई है, Fe प्लस CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट और FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट प्लस Cu। इस अभिक्रिया में लोहे आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या फिर हटा दिया। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। और याद रखिए वैसे आप लोग लोहा जिसे कहते हैं आयरन, आप लोगों को हर जगह लोहे शब्द का यूज नहीं होता है, आयरन सामान्य तौर पर आयरन शब्द खा लिया जाता है। इसके लिए एक इस तरह की अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं, Zn कॉपर सल्फेट ये क्रिया करके क्या बन रहा है जिंक सल्फेट प्लस सी। फिर आप देखेंगे Pb यहाँ कॉपर क्लोराइड, ये अभिक्रिया करके लेड क्लोराइड बन रहा है CO। जिंक और लेड, जिंक कॉपर है ठीक है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, कौन कौन से, जिंक और लेड। अब है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसे भी देख लेते हैं। क्रियाकलाप 1.10 एक परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए, एक अन्य परख नली में 3 ml बेरियम क्लोराइड लीजिए, दोनों विलयनों को मिला दीजिए, आपने क्या देखा है। आपको यही देखना है, आपको कहीं और नहीं जाना है ठीक है। जो इस किताब को पढ़ रहा होगा कक्षा 10वीं में होगा वो इसे करता रहेगा, उसे बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा, समझ में तो आपको भी आ रहा होगा क्योंकि आप इतने काफी काबिल हैं। ये आपको दिख रहा है सोडियम सल्फेट के विलयन युक्त परख नली, बेरियम क्लोराइड की विलयन युक्त परख नली, दोनों को मिलाया जा रहा है, बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण। आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में आविलेय है, इस आविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। आविलेय मतलब इसमें विलयन, मतलब इसमें मिलेगा नहीं जल में ठीक है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब देख रहे हैं आप लोग सोडियम सल्फेट हो गया Na2SO4 BaCl2 बेरियम क्लोराइड, BSO4 बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड में बदल गया। ऐसा क्यों होता है, Ba2+ और तथा SO4-2- की अभिक्रिया से BaSO4 के अवशेष का निर्माण होता है, एक अनुत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। किसे, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है यानी एक से दूसरे में, इन्हें हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कह देते हैं। क्रियाकलाप 1.2 पर ध्यान दीजिए जिसमें आपने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिश्रित किया, अवशेष किस रंग का था, क्या आप अपेक्षित यौगिक का नाम बता सकते हैं, इस अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं क्या आप, यह भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। चलिए छोड़िए, उपचयन एवं अपचयन बात करते हैं। अब चलते हैं 1.11 क्रियाकलाप पर, चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूड़ लेकर उसे गर्म कीजिए, आपने क्या देखा है, ये इस तरह से बात की जा रही है, कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में अपचयन, ये आपका कॉपर चूड़ युक्त चाइना डिश है ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ये जाली हो गई, तिपाई हो गई और ये वर्नर हो गया। आप जानते हैं कि कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ मतलब जलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की बिना उपस्थिति के कोई संभव भी नहीं है ना,
तो ये किस में बदल जाएगा? कॉपर ऑक्साइड में। इस तरह से आप देखेंगे कॉपर चूड़ की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्या बनाता है? यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के युग से बना होता है। देखिए यहां कॉपर हो गया, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑक्सीजन हो गया तापन, यानी कि गर्म कर रहे हैं, उसने भी भाग लिया। और यहां आपको दिखाई दे रहा है 2CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड। यदि इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रभावित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। ऐसे बात की जा रही है। देखिए जो गर्म किया था हम लोगों ने पदार्थ, इसे आप क्या करिए, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाइए। तो यहां आपको दिख रहा है कॉपर अलग हो चुका है और आपको जल अलग हो चुका है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे हम लोग अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी कि बढ़ोतरी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपचयन हुआ है। और जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? अपचयन हुआ है। ठीक है। अभिक्रिया 1.29 में कॉपर सेकेंड ऑक्सीजन ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए अपचयित होता है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए उपचयित हुआ है। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। इस समीकरण को भी देख सकते हैं, कॉपर ऑक्सीजन H2 तापन के साथ CO और H2O बदल जा रहा है। ये आप कह सकते हैं कि देखिए H2O ये क्या है? उपचयन। और लेकिन ये CO देख रहे हैं? अपचयन, यानी कि इसमें कमी आई है। रेडॉक्स अभिक्रियाएं कुछ अन्य उदाहरण देख सकते हैं, ZnO+C, Zn ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें आप Zn क्या है? अपचयन, और CO क्या है? उपचयन। ठीक है, याद रखिए। इस तरह से इसे भी देख सकते हैं आप। अभिक्रिया 1.31 में कार्बन उपचयित होकर CO और ZnO अपचयित होकर Zn बनता है। अभिक्रिया 1.32 में HCl Cl2 में उपचयित और MnO2 और MnCl2 में अपचयित हुआ है। ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थों का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे बात करते हैं। क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है? संक्षारण, आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीले होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उस पर ललिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। आप देखा होगा कि आप जब पाइप लेके आते हैं या कील कोई लेके आते हैं, दीवार में ठोक देते हैं, तो वो बड़ी मतलब भूरे, मतलब आप सोचिए कि कितनी नई दिखती है, क्या होती है? चमकीली टाइप की दिखती है। उस पर पानी पड़ता है, कुछ समय पास आप देखते हैं नमी आती है और वो उसका रंग भूरे रंग की पर चढ़ने लगती है। एक तरह से आप कह देते हैं कि जंग चढ़ने लगी है। फ्राई इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी या तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तभी संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण है। आपसे अगर संक्षारण के उदाहरण पूछे तो आप इन्हें दे सकते हैं, काली परत यानी कि चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना या फिर लोहे में जंग लगना। ठीक है, ये सभी आपके इसके उदाहरण है। इससे आप अपने दैनिक जीवनचर्या में भी देखते रहते हैं। लोहे की तो मुझे लगता है हर कोई देखता रहता है कि इस पर जंग किस तरह से चढ़ती है। ठीक है, संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज या धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। इस पर आप देखते हैं इसे जंग से बचाने के लिए कई तरह के प्रिंट भी कर दिए जाते हैं। आप सोचेंगे आपके दीवार, अगर आपके घर में गेट लगे होते हैं लोहे के,
तो उस पर भी प्रयत्न समय समय पर होता रहता है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो वो कुछ समय बाद खत्म हो जाते हैं, जंग उन्हें खत्म कर देती है। अब दूसरा देखते हैं आप लोग, विकृत विकृत गंधिता। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? उपचयित होने पर तेल या वसा विकृत गंधी हो जाती है, उसके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। पूरा तेलीय या वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ पीति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस जैसी कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके? आप भी तो जानते हैं कि जब आप कोई चिप्स खरीदते हैं तो उसमें हवा सी भरी रहती, उसी की बात की जा रही है। या किसी भी को आप देखते हैं कि डिब्बे से आप बाहर रख दीजिए, वो कुछ समय में खराब हो जाएगी, उसका स्वाद बदल जाएगा। गुड़ को ही आप लोग ले लीजिए कि कुछ समय बाद आप बरसात में रख दीजिए खुले में, मतलब अपने घर में ही कहीं, तो उसका स्वाद बदल जाता है, इसलिए आप देखते हैं कि हवा ना जाए उसमें, इस तरह से आप रखते हैं। ठीक है, तो आपने क्या सीखा इसमें? सबसे अच्छी बात है कि जितना ही बोरिंग है चैप्टर विज्ञान आपका, उतना ही अच्छी बात है कि आपको बाद में बताया जाता है कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है। एक तरह से निष्कर्ष बता दिया जाता है कि इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या था आपका। तो एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद और प्रतीकात्मक रूप से उसकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही ओर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो। समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बना देता है। ये सब आपने पीछे देखा है। जन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे हम लोग ऊष्मा छिपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम लोग ऊष्मा सूची अभिक्रियाएं कहते हैं। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है विस्थापन अभिक्रिया होती है। द्वि विस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से आविलेय लवण प्राप्त होता है। अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन फिर या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग या फिर हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या फिर उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास फिर या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। तो ये था एक तरह से आप कह सकते हैं निष्कर्ष। ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग बड़े अच्छे से लगाते रहिए और आपकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से डाउनलोड करके पढ़ते रहिए अच्छे से। ठीक है, बड़े ध्यान से पढ़ते रहिए और लगाते रहिए। अगला चैप्टर हमारा होगा अम्ल, क्षार और लवण। इनसे भी आपके क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो अगला चैप्टर दूसरा यही होगा।